22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, 22 मई वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो दोस्तों आज है विश्व जैव विविधता दिवस और यह भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके बारे में कुछ जानकारी वो क्या क्या है। तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वह नाम है विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस। तो इसे हम विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस के रूप में भी जानते हैं। नैरोबी में 29 दिसंबर 1992 को हुए जैव विविधता सम्मेलन में लिया गया था निर्णय कि 29 मई के बजाय 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाए। तो दोस्तों इस दिवस को मनाने से पहले एक सम्मेलन हुआ था, जैव विविधता सम्मेलन, और यह सम्मेलन केन्या की राजधानी नैरोबी में 29 दिसंबर 1992 को हुआ था। और वहीं पर यह निर्णय लिया गया था कि 29 मई के जगह यानी 20 मई के जगह 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाए। इसे स्टार्ट किया था यूएनओ ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। दोस्तों सन 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जा चुका है, यानी कि 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल ईयर घोषित किया जा चुका है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं कि यह क्या है। तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव और वनस्पतियां पाई जाती हैं, इनकी सबकी अपनी अपनी आवास और विशेषताएं हैं, और ये सभी आपस में प्राकृतिक कड़ियों से जुड़े हुए हैं और आपस में ही मिलकर रहते हैं, और इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो दोस्तों पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव जंतु हैं और वनस्पतियाँ भी हैं, और इनकी सबकी अपने अपने आवास भी हैं और विशेषताएं हैं, तो इसी से सभी जुड़े हुए हैं। सभी को अपनी जो आवश्यकता होती है वह इन्हीं के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। सभी को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है सब एक दूसरे से लेन देन करते हैं और अपने जो जीवन है उसको चलाते हैं, और ये आपस में जो है वह मिलकर रहते हैं, साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, चाहे वह मनुष्यों की हो चाहे वह अन्य जीव जंतुओं की हो, तो इनके बिना में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन आजकल मानवीय क्रियाओं के कारण पर्यावरण में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, इस कारण से जैव विविधता में परिवर्तन हो रहा है, जैव विविधता में कमी आ रही है। लेकिन दोस्तों आजकल मानवीय हस्तक्षेप हो रही है, मानवों की बहुत ज़्यादा क्रियाकलाप हो रहे, मानवीय क्रियाओं के कारण में पर्यावरण में बदलाव होने से जैव विविधता में काफ़ी परिवर्तन देखने मिल रहा है, इसमें काफ़ी कमी देखने मिल रही है। तो ये जो जैव विविधता है वह भी पर्यावरण से ही रिलेटेड है, यानी कि पर्यावरण अगर ठीक रहता है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। दोस्तों हर वर्ष थीम के साथ में ये दिवस मनाया जाता है, तो बात करते हैं 2021 का थीम, यानी कि इस वर्ष का थीम क्या है। तो इस वर्ष का थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, इसी को हम हिंदी में कहेंगे हम समस्या समाधान का एक हिस्सा हैं। हिंदी में है हम समस्या समाधान का एक हिस्सा हैं, इंग्लिश में है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो यह 2021 का थीम है, आपको ध्यान में रखना है 2021 का थीम। अगर बात करते हैं 2020 यानी कि 2020 का जो थीम क्या था, तो वह था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, यह थीम था। इसको हिंदी में कहेंगे प्रकृति में हमारा समस्या का समाधान है। तो यह थीम था 2020 का, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। दोस्तों तो हमें चाहिए कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे, पर्यावरण का संतुलन को बनाने के लिए जितनी भी हो सके उसको हम अपनी तरफ से किए करें ताकि पर्यावरण बची रहे, और पर्यावरण अगर बचता है तो जैव विविधता भी बनी रहेगी और साथ ही साथ जीवन का अस्तित्व भी बचा रहेगा। तो दोस्तों हमें चाहिए कि पर्यावरण का संरक्षण हो, पर्यावरण का संतुलन हो, और पर्यावरण को अधिक से अधिक बचाएं ताकि जैव विविधता भी बनी रहे और हमें अपनी जो आवश्यकताएं हैं वह सबकी पूर्ति आसानी से हो जाए। थैंक यू दोस्तों।